तो अगर आप अपने दिमाग में ट्रक के बारे में सोचते हैं तो हो सकता है कि जो पहला दृश्य आपके दिमाग में है वो है काफ़ी पुराने से ट्रक का, जिसमें हमको बहुत ही बड़ा कैरिज मिलता है पीछे और बाकी पीछे लिखा हुआ मिलता है ब्लो हॉर्न और बहुत ही धुआं मचाता है ये वाला ट्रक। लेकिन आपको अमेरिका में ऐसा नहीं मिलता है, अमेरिका में आपको बहुत ही लग्जरी ट्रक्स मिलते हैं जिनमें आपको जो पावर मिलती है, आपको फीचर्स मिलता है, आपको शायद इंडिया में किसी गाड़ी में मिले। और जो बेस्ट ट्रक है जो कि अमेरिका ने आज तक बनाया, इसका नाम है फोर्ड F-150, जिसमें आपको जो फीचर्स मिलते हैं आपको इंडिया में 1 करोड़ की गाड़ी में भी नहीं मिलते। तो क्या हाल चाल दोस्तों, वेलकम बैक टू कार वर्सल। और आज के एपिसोड में हम बात करेंगे फोर्ड F-150 के बारे में और क्यों ये बेस्ट गाड़ी है अगर आपको पूरी जिंदगी चलानी अपनी गाड़ी। और ये वाला एपिसोड मैं बना रहा हूँ राघव मल्होत्रा के नाम पे, तो उन्होंने कहा था कि इस वाली गाड़ी पे वीडियो बनानी चाहिए। और बाकी इस एपिसोड का लाइक को लगते हैं 1208 लाइक्स का, तो जो लाइक वाला बटन है उसे दबा दीजिए। तो जैसे कि जो फोर्ड F-150 है काफ़ी आइकॉनिक ट्रक है जो कि अमेरिका ने कई सालों से बनाया है और बाकी काफ़ी तगड़ा बिकता है ये वाला ट्रक पूरी दुनिया में। इसके अराउंड 1 करोड़ यूनिट्स बिक चुकी है अब तक, जो कि अराउंड इंडिया की 3 साल की टोटल कार सेल्स के बराबर है। तो बहुत ही लोग इसे पसंद करते हैं क्योंकि इस गाड़ी में आपको जो प्राइस के हिसाब से आपको फीचर्स मिलते हैं, आपको पावर मिलती है, आपको किसी और गाड़ी में नहीं मिलती पूरी दुनिया में। अगर आप इस गाड़ी के परफॉर्मेंस के बारे में बात करें तो इस गाड़ी में आपको काफ़ी तगड़ी परफॉर्मेंस मिलती है, जैसे कि एक ट्रक के लिए काफ़ी ज़रूरी होती है उसके घोड़ों की ताकत अपने पीछे कुछ भी खींचने के लिए। तो इस गाड़ी में आपको बहुत सारे घोड़ों की ताकत मिलती है ताकि अपने पीछे कुछ भी खींच ले। इसमें आपको टोटल में आपको 7 इंजन ऑप्शन मिलते हैं, जो कि आपको इंडिया में तो वेरियंट्स नहीं मिलते इतने गाड़ियों में जितने इसमें आपको डिफरेंट इंजन्स मिलते हैं। इसमें आपको V6 से लेकर आपको V8 से लेकर आपको ट्विन टर्बो 4 से लेकर आपको नेचुरली एस्पिरेटेड से लेकर आपको हाइब्रिड से लेकर आपको डीजल से लेकर आपको सारे इंजन ऑप्शन मिलते हैं जो कि आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं एक गाड़ी से, और तभी ये गाड़ी काफ़ी मॉड्यूलर बनती है। और जो बेस्ट इंजन है इस गाड़ी का वो है इसका 3.5 लीटर ट्विन टर्बोचार्ज V6 इंजन, जिसके साइड में आपको एक माइल्ड हाइब्रिड टेक्नोलॉजी मिलती है, जिससे इस गाड़ी में आपको 6000 किलो की आपको टोइंग कैपेसिटी मिलती है, जिससे इस गाड़ी के आप पीछे आप 5 स्कॉर्पियो, आप 3 फॉर्चुनर कुछ भी ढो सकते हैं और बाकी कहीं पर भी जा सकते हैं। तो बहुत ही शक्तिशाली गाड़ी है। और बाकी इस गाड़ी में आप एक सिंगल फ्यूल टैंक में आप 1100 किलोमीटर चला सकते हैं इस गाड़ी को एक सिंगल फ्यूल टैंक में, तो इससे आप पता नहीं दिल्ली से पुणे मुंबई कहाँ जा सकते हैं और बाकी वापस भी आ सकते हैं। और अगर मैं ध्यान से सोचूं तो ये हाईएस्ट है जो कि मैंने आज तक अपनी वीडियो में बोली है कि एक सिंगल फ्यूल टैंक में 1100 किलोमीटर की रेंज। तो इस गाड़ी में तो मतलब आपके मजे ही लग जाएंगे एक बार अगर आप इसे फुल करा लेंगे। और बाकी इस गाड़ी की परफॉर्मेंस बढ़ाने के लिए इसमें आपको एक असिस्टेंस पैकेज मिलता है, जिसमें इस गाड़ी में आपको इसके बम्पर के नीचे एक डिप्लॉयबल आपको एयर ब्लेड मिलता है जो कि इस गाड़ी की एरोडायनामिक एफिशिएंसी को बढ़ाता है। और बाकी इसके पीछे अगर आपने कुछ ट्रॉली वगैरह या फिर कुछ भी कैरेज बांधा हुआ है तो उससे पता नहीं कुछ ग्रेविटी से होता है कि वो हिलता नहीं और बाकी स्थिर रहता है। तो काफ़ी तगड़ा फीचर है जो कि इस गाड़ी में आपको मिलता है और बाकी मैंने तो पहली बार इस गाड़ी में ये वाला फीचर देखा है। और इस गाड़ी में आपको इतनी बड़ी गाड़ी होने के बावजूद और बाकी इतनी भारी गाड़ी होने के बावजूद इसमें आपको 180 किलोमीटर पर आके आपको टॉप स्पीड मिलती है जो कि काफ़ी बढ़िया है। तो इस गाड़ी में आप आसानी से भगा सकते हैं, लेकिन वो डिपेंड करता है कि आप अपनी गाड़ी के पीछे क्या बांधा हुआ है और बाकी कितने वजन का बांधा हुआ है, क्योंकि ऑफकोर्स अगर आप अपनी गाड़ी के पीछे 4 फॉर्चुनर बांध के भाग रहे हैं तो ऑफकोर्स इतनी नहीं भागेगी, लेकिन तब भी इस गाड़ी में आप आसानी से भगा के कहीं पर भी जा सकते हैं और बाकी अपने डिलीवरी को पहुँचा सकते हैं। इसलिए जिस दिन को दुनिया बंद हो रही हो और बाकी अगर आपको सूरज की किरणों से भागना हो तो गाड़ी बेस्ट होगी, क्योंकि इस गाड़ी में आपको स्पीड भी बढ़िया मिलती है और बाकी इसमें आपको स्ट्रेंथ भी काफ़ी बढ़िया मिलती है। अगर आप इस गाड़ी के बेस्ट पार्ट में आते हैं जो कि इस गाड़ी की लुक्स है, जो कि आपको काफ़ी तगड़ी मिलती है, जो कि आपने शायद किसी और गाड़ी में देखी हो, और ट्रक के हिसाब से मैं मानता हूँ कि बेस्ट लुकिंग ट्रक है पूरी दुनिया का, सिवाय कि टेस्ला साइबर ट्रक है जो कि मतलब एकदम फ्यूचरिस्टिक सा लगता है। इस गाड़ी में हमको फ्रंट में आपको काफ़ी बड़ी सी ग्रिल मिलती है और आपको अब फोर्ड ने 11 डिफरेंट ग्रिल्स का ऑप्शन दिया है इस गाड़ी में चूज़ करने के लिए। तो 11 इसमें आपको डिफरेंट ग्रिल्स मिलती है और इंडिया में तो आपको शायद इतने कलर ऑप्शन भी नहीं मिलते गाड़ियों में जितने इसमें आपको ग्रिल्स मिलती है। इसमें आपको फ्रंट में आपको काफ़ी बड़ी सी आपको हेडलाइट्स मिलती है, जिसमें आपको पूरा ही LED का कॉम्बिनेशन मिलता है जो कि काफ़ी तगड़ी लाइट्स है ट्रक के हिसाब से, और आपको इंडिया में तो नॉर्मल हैलोजन बल्ब्स मिलते हैं ट्रक में, तो इसमें आपको इतने बढ़िया फंक्शन मिलते हैं तो क्या बात है। साइड में इस गाड़ी में आपको काफ़ी लंबी सी लुक्स मिलती है क्योंकि इस गाड़ी की लेंथ आपको 5.4 मीटर्स की मिलती है और इस गाड़ी में आपको 20 इंच के आपको प्लैटिनम व्हील्स मिलते हैं जो कि काफ़ी महंगे से लगते हैं, जो कि इसके आपको लिमिटेड वाले वेरिएंट में मिलेंगे। और बाकी इस गाड़ी में आपको साइड बोर्ड्स मिलते हैं इसके साइड में, जिससे इस गाड़ी में आपको चढ़ने में आसानी होगी क्योंकि काफ़ी ऊंची गाड़ी है। पीछे इस गाड़ी में आपको ट्राला मिलता है पीछे, जिसमें आप कुछ भी डाल सकते हैं और बाकी कुछ भी रख सकते हैं, और बहुत ही इसमें आपको लंबी लेंथ मिलती है जिसमें इस गाड़ी में आप घर गया पूरा अपना सामान अपना कुत्ता बिल्ली कुछ भी डाल सकते हैं। इसमें आपको पीछे आपको लाइट्स मिलती है काफ़ी बढ़िया आपको LED की, और बाकी जो पीछे वाली डिक्की है इसकी टेक्निकली वो आपको खुलते हुए मिलते हैं, जिसमें आपको बहुत ही सारे फीचर्स मिलते हैं जिसके बारे में आपको बताऊँगा। और पीछे से काफ़ी ऊंची गाड़ी है ऑफकोर्स, क्योंकि पीछे इसका आपको मिलता ही नहीं है कुछ, आपको सिर्फ ट्राला मिलता है। और बाकी इस गाड़ी में आपको एक काफ़ी तगड़ा फीचर मिलता है, जिसमें इस गाड़ी में आपको चारों आपको सराउंड्स में आपको लाइट्स मिलती है जो कि ऐसे जग जाती है रात के वक्त। तो अगर आपको इस गाड़ी में कैंपिंग करनी है आप कर सकते हैं, जिसमें इस गाड़ी में आपको चारों तरफ लाइट्स मिलेगी और आपको बढ़िया फीलिंग आएगी।
अगर आप इस गाड़ी के अंदर आते तो आपको सोचा होगा कि इसमें आपको बेसिक सा इंटीरियर मिलेगा, लेकिन इस गाड़ी में आपको जो इंटीरियर मिलता है आपको इंडिया में ऑडी Q7 में भी नहीं मिलता, जो कि इस गाड़ी में आपको मिलता है। इसमें आपको बहुत ही तगड़ी लग्जरी मिलती है जो कि एकदम बेस्ट इन क्लास है, जिसमें आपको बहुत ही बढ़िया कॉम्बिनेशन मिलता है लेदर का और बाकी आपको सारे सिस्टम का। इसमें आपको 12 इंची का आपको टचस्क्रीन डिस्प्ले मिलता है 12 इंची का, जिसमें आपकी गाड़ी की सारी इन्फॉर्मेशन आपको आ जाएगी और बाकी आप इसमें कुछ नेटफ्लिक्स वगैरह भी चला सकते हो और आप मजे ले सकते हैं अपनी गाड़ी को चलाते वक्त। और बाकी इस गाड़ी में आपको जो दोनों फ्रंट की सीट्स है उसमें आपको 180 डिग्री आपको फोल्ड मिलता है, जिसमें इस गाड़ी की सीट को आप पूरा फोल्ड कर सकते हैं और आप एकदम लेट सकते हैं इस गाड़ी में। तो अगर आप थक चुके अपनी गाड़ी को चलाते वक्त तो आप बस बाजू में रोक लीजिए अपनी गाड़ी को और अपनी सीट को फोल्ड करके सो जाइए इस गाड़ी में कंबल लेके और आपको मजा आ जाएगा। इस गाड़ी में आपको जो इसका सेंटर कंसोल मिलता है आपको काफ़ी मोटा सा मिलता है, जिसमें आपको काफ़ी बढ़िया फंक्शन मिलता है, जिसमें इस गाड़ी में आप इसका जो गियर लीवर है उसे ऐसे नीचे फोल्ड करके इसके ऊपर जो टेबल है उसे एक्सटेंड करके इस गाड़ी में आप पूरा टेबल बना सकते हैं और बाकी काम कर सकते हैं, जो कि आपने शायद ही पूरी दुनिया में किसी और गाड़ी में देखा हो, तो काफ़ी तगड़ा फीचर है। और इस गाड़ी में आपको एक और काफ़ी आपको बढ़िया सा आपको स्टोरेज स्पेस मिलती है जो कि आपने शायद ही किसी और गाड़ी में देखी हो, वो ये है कि इस गाड़ी में आपको पीछे वाली सीट आपको फोल्डेबल मिलती है अपवर्ड, जिसमें आप इस गाड़ी की पीछे वाली सीट को उठा के इसके अंदर जो स्टोरेज स्पेस है उसमें आप कुछ भी डाल सकते हैं और किसी को नहीं पता चलने वाला आपने क्या डाला और बाकी कहाँ पे डाला है, जो कि आपने इसी गाड़ी में देखा होगा। तो काफ़ी अलग सा फीचर है। और बाकी इसमें आपको पैनोरामिक सनरूफ मिलती है, आपको फुली डिजिटल आपको इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलता है, जो कि आपको अब हर एक गाड़ी में मिलता है, लेकिन इसमें आपको थोड़े महंगे वाले वेरिएंट में मिलेगा। इस गाड़ी में आपको बहुत ही सारे आपको प्रैक्टिकल फीचर्स मिलते हैं जो कि काफ़ी हंसी दिलाने वाले और बाकी आपको मजा आएगा सुनने में उनके बारे में। एक इसमें आपको मिलता है कि इस गाड़ी में आपको पीछे वाला जो टो बोर्ड मिलता है, मतलब इसके पीछे डिक्की है, उसमें आपको स्केल से मिलता है जो कि आप बने हुए हैं इस गाड़ी के अंदर डिक्की में, जिसमें अगर आपको थोड़ी बहुत मेजरमेंट करनी है आप कर सकते हैं और आपको रूलर खरीदने की ज़रूरत नहीं है। और बाकी इसमें आपको पीछे वाली आपको डिक्की में आपको सॉकेट मिलता है पूरा बड़े वाले और बाकी छोटे वाले भी, जिसमें अगर आपको अपनी सॉ मशीन या फिर अपनी कुछ भी मिक्सी वगैरह लगानी है आप लगा सकते हैं और आपको कहीं बाहर से आपको ताकत लेने की ज़रूरत नहीं है। और इस गाड़ी में आपको काफ़ी बढ़िया सा आपको बटन मिलता है इसके डैशबोर्ड में, जो कि इसका ट्रेल असिस्ट वाला बटन, जिसमें इस गाड़ी के अगर आप पीछे फॉर एग्जांपल एक कैरिज बांधे एक घोड़े के साथ, तो हो सकता है कि आप कंफ्यूज हो जाए कि आप स्टीयरिंग व्हील को कैसे घुमाएंगे और बाकी वो वाला जो कैरिज है कैसे घूमेगा, लेकिन इस वाले बटन से आप उसे वैसे घुमा सकते हैं जैसे आप चाहते हैं, जो कि काफ़ी एक हाईटेक सा बटन है जो कि फोर्ड ने काफ़ी पैसे लगा कर डेवलप करा है और इस गाड़ी में डाला है, तो काफ़ी काम में आता है वो। और जेनरली मैं तो कन्फ्यूज होता हूँ कि कैसे करना है, लेकिन इसमें आपको पहले वो वाला बटन मिलता है तो काफ़ी बढ़िया बात है। और बाकी इस गाड़ी में आपको एक और काफ़ी बढ़िया फीचर मिलता है जो कि आपने शायद किसी और गाड़ी में सुना हो, ये कि इस गाड़ी में आपको पासवर्ड लॉक मिलता है या फिर आपको पिन लॉक मिलता है इस गाड़ी के साइड के दरवाजे पे, जिससे इस गाड़ी को आप लॉक कर सकते हैं और बाकी अनलॉक कर सकते हैं अपने फ़ोन की तरह। लेकिन आप ये ध्यान में रखिएगा कि अगर आप अपने फ़ोन का और बाकी अपने गाड़ी का पासवर्ड सेम रखते हैं तो कोई भी खोल लेगा दोनों चीज़ों को और बाकी बहुत ही परेशानी हो जाएगी, क्योंकि दोनों बहुत ही कीमती चीज़ें हैं। इसका जो प्राइस है अमेरिका में काफ़ी कम है, जो कि 22 लाख रुपये से लेकर 60 लाख के आसपास का, जो कि मैं मानता हूँ कि काफ़ी बढ़िया है, क्योंकि आपको इतने प्राइस में इंडिया में आपको जीप कंपस मिलती है, आपको टोयोटा फॉर्च्यूनर मिलती है, जो कि इसके आसपास में नहीं है वैल्यू टू मनी रेशियो में, और बाकी तभी मैं मानता हूँ कि बेस्ट गाड़ी है जो कि फोर्ड ने या फिर अमेरिका ने आज तक प्रोड्यूस करी है, और तभी इस गाड़ी की 1 करोड़ यूनिट्स बिक चुकी है आज तक, जो कि इस गाड़ी के सक्सेस को दिखाता है। और बाकी अगर आप इस गाड़ी की कार वर्सल रेटिंग को देखें, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है इस गाड़ी के लिए और बाकी किसी भी स्टूडेंट के लिए, तो इस गाड़ी ने स्कोर किया 4.6 स्टार्स की कार वर्सल रेटिंग, या फिर इस गाड़ी ने 92% मार्क्स स्कोर करे हैं, जो कि मैं मानता हूँ कि काफ़ी तगड़े मार्क्स है, तो काफ़ी टॉपर सी गाड़ी है और काफ़ी बढ़िया गाड़ी है। और जो बाकी इसके मार्क्स कटे हैं वो इसलिए क्योंकि इस गाड़ी का लॉन्च इंडिया में नहीं होने वाला, जो कि काफ़ी ख़राब बात है। तो यही था इस गाड़ी के बारे में, जो कि इस गाड़ी को बेस्ट गाड़ी बनाता है पूरे देश की या फिर दुनिया की। और बाकी अगर आपको पूरी ज़िंदगी अपनी गाड़ी चलानी है तो इस गाड़ी को आप ले लीजिए। और बाकी अगर आपको वीडियो पसंद आई आप इस वीडियो लाइक कर दीजिएगा और आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, और बाकी आपके सामने जो सारे बटन आने होंगे आप दबा दीजिएगा। और अगर आपको ऐसी कोई और वीडियो देखनी है इंडिया की, इंटरनेशनल या फिर कोई भी और पूरे सोलर सिस्टम की गाड़ी पर, तो वो भी आप मुझे कमेंट्स में लिख के बताइएगा। और थैंक यू आप सबको वीडियो देखने के लिए।